आज हम बिना किसी मावा या दूध से बढ़िया सा हलवा बनाएंगे। ना तो इसमें आपको मावा डालना है और ना ही आपको दूध या मलाई डालनी है। ये खाली चीनी, पानी और मूंग की दाल से ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल का हलवा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगोकर रख दिया था और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। मिक्सर जार में ट्रांसफर करने के बाद हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे एक पैन ले रहे हैं, इसमें हम एक कटोरी पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म करने के बाद एक कटोरी इसमें हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे चीनी डिजॉल्व हो जाए उतना ही हमें पानी बॉईल करना है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए चीनी है वो डिजॉल्व हो चुकी है, तो हमारी चाशनी है वो रेडी है, तो इसे हम उतार लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में घी गर्म करने के लिए रख देना है। एक कटोरी घी लेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद एक चम्मच इसमें सूजी डालेंगे। एक चम्मच बेसन का आटा डालेंगे और इन दोनों को भून लेंगे। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तीन से चार मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी और बेसन का आटा पक चुका है। अब इसमें हम मूंग की दाल डालेंगे। पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि इसमें घी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी मूंग की दाल है वो सारा घी है वो पी जाएगी। कंटिन्यूसली आप इसे चलाते रहना है। इस समय हम जो फ्लेम है उसे स्लो रखेंगे। अच्छे से भुनने के बाद हमें इसे ब्राउन टेक्सचर देना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये 7 से 8 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसमें इस तरीके से झाग बनना शुरू हो जाएगा। अगर झाग बनना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए तो आपकी जो दाल है वो भुन चुकी है। इस स्टेज पे हमने जो चाशनी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। और चलाते हुए इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। एक मिनट चलाने के बाद हमें जो ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने हैं वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने कटी हुई बादाम ली है, आप कोई भी दूसरे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालेंगे जो हमारे हलवे में एक बढ़िया सा स्वाद लाएगा। चलाते हुए हमें इसका सारा पानी है वो जला देना है। 2 से 3 मिनट में इसका सारा पानी है वो जल जाएगा और 15 से 20 मिनट में हमारा ये हलवा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसका सारा पानी है वो जल चुका है और ये खाने के लिए तैयार है। एक अच्छे से बाउल में इसे हम निकालेंगे और बादाम के साथ इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारा बढ़िया टेस्टी और बिना किसी मावा दूध मलाई का हलवा बनकर तैयार हो गया है।
आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।